दिस इज जयप्रकाश तिवारी फ्रॉम ज्ञानपुन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, मतलब एक क्विज है उसमें करेक्ट आंसर अगर देते हैं तो पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर पर, मतलब अगर आंसर गलत हो गया तो नेगेटिव आंसर मार्क्स। इफ जैक स्कोर्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, जैक जो है 5 राउंड खेलता है, मतलब 5 राउंड में वो आंसर देता है और 25 -5 -10 15 एंड 10 मार्क्स पाता है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, एंड में उसका टोटल क्या है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 5 मार्क्स दिए हुए हैं इनको हम प्लस कर देंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे टोटल मार्क्स क्या रहेंगे, टोटल मार्क्स क्या रहेंगे, इनको प्लस करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे 25 प्लस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस के 5 है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे, उसके पश्चात प्लस और फिर माइनस का 10, फिर प्लस और फिर 15 और फिर प्लस और फिर 10। यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 25 प्लस और माइनस 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 के 5 प्लस और माइनस 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 का 10, यहाँ पर प्लस का 15 और प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 25 और प्लस का 15 और प्लस का 10, यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 10। अब हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को सोल्व करेंगे उसके पश्चात इन दोनों को, तो 25 और 15 और 10, 25 और 15 40 हो गया और 10 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 माइनस, हमने कहा था कि जब दो माइनस के रहते हैं तो उनको प्लस किया जाता है लेकिन साइन जो लगा के लिखते हैं माइनस का लिखेंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 10 माइनस का 15, यहाँ पर आएगा माइनस का 15। अब 50 में से 50 में से 15 माइनस कर देंगे 15, तो 50 माइनस 15 करेंगे क्या आएगा, 35 आएगा। तो जैक का जो है लास्ट राउंड में उसका टोटल मार्क्स क्या रहा, 35 रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा कि हम लिख देंगे हेंस जैक स्कोर्ड 35 मार्क्स इन द एंड। देखते हैं, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मंडे में टेम्परेचर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब नीचे गिर गया, डाउन हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है ट्यूजडे में, एंड ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे में 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, इस दिन टेम्परेचर कितना था, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे वेडनेसडे का टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में टेम्परेचर कितना रहेगा, पहले टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, लिखा हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब जब दो माइनस करते हैं तो उनको प्लस कर देते हैं लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना है वेडनेसडे में, माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोलता है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे में टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ है, पहले तो था माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस लेकिन अब इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक, जब एक माइनस का रहते हैं इंटीजर में और एक प्लस का इंटीजर रहता है तो उनको हम माइनस कर देते हैं, तो अब समझ लीजिए 7-4 समझ लीजिए, 7-4 क्या होता है 3 होता है, 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, हम देखते हैं, हमने बताया था कि जो लार्ज नंबर आता है ग्रेटर नंबर आता है उसके आगे जो उस इंटीजर के सामने जो साइन लगा है वो लगाएंगे आंसर में, तो यहाँ पर क्या है माइनस के आगे 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर इसलिए आएगा माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस,
तो टेम्परेचर ऑन वेट नाइट इज -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको यह क्वेश्चन पसंद आया होगा और वीडियो भी लाइक किया होगा आपने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।